सो हेलो गेमर्स, आ चुके हैं और नई गेम प्ले वीडियो के साथ। तो फिर गाइस, आज देखो मैं बहुत दिन के बाद गेम प्ले डाल रहा हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर देखो ये मेरी नई आइडिया, मतलब भाई आपको तो पता है मेरे साथ क्या गलत सीन हुआ है। और गाइस यहाँ पर देखो मैं इसमें भाई मेरी रैंक इतनी ज़्यादा कम है, फिर भी यार इस वाले गेम में आ जाता है एक तगड़ा वाला हैकर। फिलहाल देखो मेरे को ये बंदा दिखता है। अब ये भाई साहब की बहुत ज़्यादा लेट लैंडिंग हुई, तो मैं सीधा घुसना चाह रहा था, लेकिन भाई ऐसा ना कि उसको गन मिल जाए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी लूट वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने बेसिक से लूट वगैरह करी और सीधा घुस गया बंदों के ऊपर। अब यहाँ पर देखो जस्ट एक बंदे ने दूसरे बंदे को नॉक करा था, ये देखो वहाँ पर दिख रहा है। अब मैं इसका किल चुराने के लिए यहाँ पे आता हूँ। अब जैसे भाई इसका किल चुराया मैंने, भाई ये बंदा ना एकदम गुस्से में आग बबूला हो गया और सीधा घुस गया मेरे ऊपर। अब भाई को देखो क्या ही पेलता हूँ मैं। अब यार पता नहीं इसने कौन सा सस्ता नशा करा था, लेकिन भाई इसका टीममेट देखो यार, मेरे को ऑलमोस्ट भाई इसने 10 एचपी छोड़ दिया था। तो सबसे पहले मैं पीछे आया और यहाँ से मैंने हील वगैरह कर दिया। अब देखो गाइस इसका बंदा ना भाई मेरे को डैमेज देके सीधा घुस जाता है इसके बंदे को रिवाइव देने के लिए। तो सबसे पहले मैं पीछे आया, यहाँ से मैंने हीलिंग वगैरह करी और गाइस सीधा मैंने राइट से भाई फुल राइट से फ्लैंक कर दिया। अब यहाँ पे देखो इन बंदों को मैं क्या ही पेलता हूँ। अब सबसे पहले देखो सामने स्मोक हो रखा था और जो नॉक बंदा था भाई वो ऑलरेडी रिवाइव हो चुका था और उसने यहाँ पर हील भी कंप्लीट कर दिया था। तो सबसे पहले मैं फ्लैंक करके घुसता हूँ और यहाँ पे देखो भाई क्या गलत सीन होता है। अब मैं तो ये वाली बाजू, अब जिस बंदे को मैंने पहले नॉक करा था वो बंदा मेरे को यहाँ से स्पॉट हो जाता है। अब जैसे मैं इस वॉल के पास आता हूँ और थोड़ा अंदर ताक झाँक करता हूँ, तो भी देखो भाई ये बंदा रिवाइव होकर हील वगैरह करके मस्त यहाँ से वहाँ भटक रहा था, ठीक है। तो थोड़ी देर तक मैंने वेट करा इसके दूसरे बंदे को मैंने ढूंढने का ट्राई करा, लेकिन वो तो मेरे को मिलने से रहा, तो मैं सीधा घुस गया अंदर। अब अगेन देखो मैंने इस वाले बंदे को डैमेज करके आगे अंदर भगा दिया और गाइस सीधा घुस गया मैं इस बंदे के ऊपर, ठीक है। अब जैसे इस वाले बंदे को नॉक करा भाई, इसने मेरा काम आसान कर लिया था, तो मैंने इसको नॉक करके सीधा फिनिश कर दिया। और भाई इसका टीममेट देखो, ऐसा आपके साथ तभी होगा जब भाई आपने गांजा कुछ ज़्यादा ही फूक लिया होगा। भाई मैं इसके सामने घूम रहा और ये बंदा मेरे को स्मोक के अंदर ढूंढ रहा था। फिलहाल देखो इसको मैंने मारा, अब बार थी यहाँ से निकलने की। तो सबसे पहले मैंने लूट वगैरह करा और सीधा घुस गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे इस बिल्डिंग का आता, बिल्डिंग के अंदर आता भाई, तभी देखो एक बंदे मेरे को घुसते बाद, ठीक है। अब मेरे को लगा कोई रियल बंदा होगा जो कर सीधा मेरे ऊपर घुसने की ट्राई करा, लेकिन भाई इसकी हरकतों से यहाँ पर एक चीज़ साफ जाहिर हो चुकी थी, भाई साहब ये कोई बॉट है और थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, तो प्लीज़ यार इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि यार बाजू में ना बिल्डिंग्स का काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको नॉक करके फिनिश करने की ट्राई करी, तो देखो एक और पुष्टि पाए। और गाइस मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था इस आईडी के अंदर मेरी रैंक एकदम कम है, तो इन दो भाई साहब को मैंने मार के लूट वगैरह करी यहाँ पर सबसे पहले। तो अब जैसे मेरी लूट यहाँ से कंप्लीट हुई, मैं सीधा निकलता हूँ यहाँ से और गाइस यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। और यहाँ पे देखो सबसे पहले हीलिंग दे सकते हो मेरी, और एक बंदा रुजॉक की पहाड़ी में था जो कर मेरे को ऊपर से डैमेज पे डैमेज डैमेज पे डैमेज दिए जा रहा था। तो सबसे पहले अपने अपने को हील करने के लिए मैं आता हूँ घर के अंदर, तभी देखो मेरे को लगा ये रियल बंदा होगा, भाई साहब अगेन बॉट, मतलब यार पता नहीं इतने ज़्यादा बॉट कहाँ से आ गए। अब इस आईडी में मेरी रैंक कुछ ज़्यादा ही कम। फिलहाल देखो यहाँ पर मैंने इस वाले बॉट को भी लूटा, और तभी देखो भाई तभी देखो गाइस वो जो रुजाक के पहाड़ी वाला बंदा है भाई, वो मेरे ऊपर पुश करने की ट्राई कर रहा था। तो सबसे पहले मैं घर के अंदर आता हूँ भाई, यहाँ पर मैंने बूस्ट वगैरह कर दिया। और आप एक चीज़ बोल रहे हो भाई ऐसा क्यों करा, तो यहाँ पर देखो मेरा हेडफोन जो भाई वो बार बार निकलते जा रहा था, तो इसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा मेरा गेम भी लैग होता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा हील वगैरह कर लेता हूँ। अब मेरे मन में डर था कि भाई साहब कहीं ये दो बंदे ना हो और सीधा मेरे ऊपर घुस गए, तो यहाँ पर मेरी पेटी बनी जाएगी। तो सबसे पहले अपने आप को बूस्ट किया मैंने। अब मैंने सोचा भाई चलो यहाँ पर मेरे पास स्नाइपर है, तो सीधा इस वाले बंदे को पेल देंगे, लेकिन भाई आपको पता ही होगा मेरी स्नाइपर एकदम टट्टी है यार। फिलहाल देखो यहाँ पर मैंने भाई आपको अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरा हेडफोन निकल चुका था तो जिसको मैं ठीक कर रहा था। अब जैसे मेरा हेडफोन बैठ गया, मैं सीधा घुस गया इस बंदे के ऊपर। अब देखो इसको मैंने मारने की ट्राई करी, यहाँ पर मेरे को बंदा स्पॉट होता है। अब ये भाई साहब यहाँ पर साफ बन चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको मैंने मारने की ट्राई करी, भाई पता नहीं कैसे इसको गोली नहीं लगी, या तो मेरी स्नाइपिंग टट्टी है या फिर भाई पबजी का कोई ग्लिच है, सॉरी बीजीएमए का कोई ग्लिच है। तो यहाँ पर तो कुछ बंदे को मारने की ट्राई करी, लेकिन भाई साहब ये बंदा तो यहाँ पर मरने से रहा, उल्टा इसने मेरे को डैमेज कर दिया। अब यहाँ से मैंने हील वगैरह करा और सीधा घुस जाता हूँ अपनी गाड़ी वाली बाजू, और भाई ये बंदा तो मेरे ऊपर पुश करने से रहा, तो मैंने क्या करा सीधा पीछे भाग गया और यहाँ से मैंने उठाई गाड़ी। और गाइस देखो इस वाले बंदे को क्या ही पहनेंगे सबसे पहले। तो अब भाई अगेन आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है, तो प्लीज़ यार उस चीज़ को इग्नोर कर दो, क्योंकि यार बाजू वाली गली में भाई बिल्डिंग्स का काम चल रहा है। तो यहाँ से मैंने उठाई गाड़ी और सीधा घुस गया इस वाले बंदे के ऊपर।
आई मीन इस बंदे के ऊपर मैंने पुश कर दिया। अब यहाँ पे देखो, मैंने गाड़ी उठाई और ये बंदा एकदम हिल के ऊपर था, तो भाई ये बंदा तो पुश करने से रहा, एकदम फट्टू बंदा था, तो सीधा मैंने गाड़ी उठाई और आ गया इस वाले बंदे के ऊपर। अब सबसे पहले तो मैंने गाड़ी हिल के नीचे रोक दी, और तभी देखो इस बंदे ने मेरे ऊपर सीधा पुश कर दिया। बस यार देखो यहाँ पे क्या होता है, अब एक पल के लिए भाई साहब इस वाले बंदे ने मेरे को ऑलमोस्ट मार दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने हीलिंग वगैरह करा, अपने आप को हील करा, और भाई सबसे पहले इस भाई साहब की पेटी लूटेंगे। अब यहाँ से मैंने इसकी पेटी लूटी, उठा था वो गाड़ी और सीधा निकल जाता हूँ यहाँ से जोन में। अब बाहर रही थी गाइस हैकर से मिलने की, तो आपको मिला था एक सेकंड हैकर से, तो यहाँ पर मैं तो अपने आपको हील किया और मैं आगे निकलता हूँ जोन में। अब देखो गाइस जोन ऐसा बन रहा था, मतलब भाई पहाड़ के ऊपर जोन बन रहा था, तो सीधा मैंने अपनी गाड़ी उठाई और निकल गया जोन के लिए। अब यहाँ पे देखो उस हैकर से अपनी मुलाकात होने वाली थी, जस्ट रुको एक मिनट के अंदर वो हैकर अपने को दिख जाएगा। तो यहाँ से मैंने गाड़ी उठाई और सीधा निकल जाता हूँ पहाड़ के ऊपर, क्योंकि यार जोन वहाँ का बन रहा था, तो यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो गाड़ी उठाई मैंने अपने मस्त मज़े में, जा रहा था गद्दे गुद्दे फूक के आराम से यहाँ से जा रहा था, और भाई बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ यार इग्नोर कर दो, प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे को सामने एक ड्रॉप दिखता है, अब लालच के चक्कर में मैंने यहाँ पर गाड़ी रोक दी, लेकिन भाई ये ड्रॉप ऑलरेडी लूटेड था, तो यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं था। तो मैं सीधा निकल गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो पहाड़ी के ऊपर मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, जो कि यार मेरे को कहीं ना भाई रियल बंदा होगा, तो सीधा मैंने गाड़ी कवर में रोक दी। और भाई तभी जाके मेरे को पता चलता है ये भाई साहब तो अपने चाचा का लौंडा भाई अपना बॉट है, ठीक है। तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, और भाई तभी देखो, और तभी देखो जैसे इस वाले चाचा के लौंडे को मारा भाई, गाड़ी का साउंड आता है, और भाई यही हैकर था, तो आपको दिखाता है एक सेकंड रुको। सबसे पहले ये गाड़ी आती है, ऊपर जाने की ट्राई करती है, अब देखो मैंने यहाँ से इसको डैमेज देने की ट्राई करी, और भाई देखो यहाँ पर मैंने कितना ज़्यादा डैमेज दिया, लेकिन भाई दोनों बंदों को मैंने ऑलमोस्ट वन स्पीक कर दिया था। तो भी देखो ये स्प्रे आता है, अब जैसे ये स्प्रे आया भाई मेरे को पता चल चुका था ये हैक करता, तो मैं सीधा घुस गया, लेकिन भाई यहाँ पे देखो मैं धड़ पैड मारता गया, लेकिन भाई ने सिर्फ और सिर्फ एक ही ओम टेक दी, और यहाँ पर मेरी सीधी पेटी बन गई। तो इसको मैंने स्पेक्टेट करा, और जैसे मैंने 18 किल देखे भाई, इसकी मैं केडी देखना भूल गया, मैं इतना ज़्यादा गुस्से में था। तो चलो यार मैं निकलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।